अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बनाएंगे मज़ेदार से चने की दाल, वो भी प्रेशर कुकर में, जिसमें मिनटों में बन जाएगी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया और इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े दो चमचे कुकिंग ऑयल के लिए हैं। दाल कोई भी हो तो उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, चाहे घी हो चाहे ऑयल हो, लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने लाइट सा ब्राउन करना है। ये देखें जो हमारा प्याज है फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने एक चम्मच ऐड करना है और जब हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, तो जो हमारा प्याज है वो लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगा। तो जनाब, इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर और इसे अच्छे से गलाएंगे। टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म करेंगे और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है एक चम्मच हरी मिर्च, ठीक है। आप चाहे तो सब्ज मिर्च भी इसमें ग्रीन चिली है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अच्छे से इस मसाले की बुनाई करेंगे। यहाँ पे हम इस पॉइंट पे आके हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस जो है मैंने एक चम्मच सुरख मिर्च ऐड की है और एक चम्मच मैंने नमक ऐड किया। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है एक लाल मिर्च एक चम्मच और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर और एक चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और अब इसे हम अच्छे से बुनाई करेंगे, ठीक है। जितना अच्छा हम मसाला भुनेंगे उतनी ही अच्छी जो है हमारी दाल बनेगी, ठीक है। और पानी डालते जाएंगे और मसाले की बुनाई करते जाएंगे। ये देखिए जी, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल। ये मैंने 2 कप लिया चने की दाल, तो उसमें जो पानी था वो मैंने इसके साथ ही शामिल कर दिया ताकि दाल में अच्छे से इसकी बुनाई हो सके। अब यहाँ पर हम दाल की बुनाई कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारी दाल की अच्छे से बनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप मैंने लिया था इसमें चने की दाल, तो उसके हिसाब से हम 4 कप इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। हमने डबल ही पानी ऐड करना है। ये देखिए जी, हमारा 4 कप पानी हो चुका है। तो अब हम इसे कवर लगा के रख लेंगे 10 से 12 मिनट, जब वेट हमारा चलना शुरू हो जाएगा उसके बाद हमने टाइमिंग इसकी नोट करनी है। यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका लिड उतार दिया है, तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी दाल जो है गल चुकी है। जस्ट हमें 10 से 12 मिनट लगे हैं और हमारी दाल जो अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ पे आप चाहे तो गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि बच्चों ने खानी होती है, इसलिए हाई मसाले नहीं ऐड करती। तो थोड़ी सी हमने काली मिर्च हाफ टी स्पून डाली है और एक चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद हम धनिया ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे अच्छे से लाएंगे ताकि इसका जो घी है वो अच्छे से निकल आए। हमने इसको कवर लगा के 2 मिनट के लिए रखना है ताकि जो इसमें ऑयल वगैरह है वो अच्छे से निकल आए और देखने में भी दाल हमारी लुकवाइज अच्छी लगे, ठीक है। यहाँ पे हम कवर लगा के रख लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए ऑयल हमारा जो है वो ऊपर आ चुका है और मज़ेदार से हमारी जो रेड चने की दाल है वो रेडी हो चुकी है। इतना टाइम नहीं लगता मिनटों सेकंडों में, जो वर्कर हूँ मैं ना उनके लिए तो काफ़ी आसानी है, बहुत ही जल्द मिनटों में तैयार हो जाती है। ये देखिए जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।